हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल से एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल आईडी है तो आप उसको यूज़ ना करके बल्कि एक सेपरेट जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको जीमेल आईडी भी क्रिएट करना सिखाएंगे। अगर आप बिगनर्स हो, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए क्रोम गूगल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे gmail.com। टाइप करने के बाद यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस हम लोग के सामने आएगा। हम यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करेंगे, फिर उसके बाद फॉर माई सेल्फ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ यूज़र नेम डालेंगे। आप वही यूज़र नेम डालिएगा जिस यूज़र नेम से आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पासवर्ड डालेंगे। ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए 6 डिजिट का OTP आएगा। उसके लिए हम यहाँ अपना नंबर डालेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई पे एंटर करेंगे। अभी हम रिकवरी ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ जेंडर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ यस आई एम इन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्राइवेसी एंड टर्म्स को एग्री कर देंगे। हमारा जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब हम यूट्यूब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर लेंगे। मैंने यहाँ ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। अब आप यहाँ लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा योर चैनल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी नाम से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नाम डाल दिया है। अब उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड, देखिए अब आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने चैनल को कस्टमाइज़ करेंगे, जिसके लिए क्रोम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ यूट्यूब सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम साइड में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद यहाँ साइड में आपको एक आइकन दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना चैनल कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ कस्टमाइज़ चैनल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिलेगा, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। यहाँ से हम ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपना लोगो अपलोड करेंगे और यहाँ से अपना बैनर अपलोड करेंगे। लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने गैलरी से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने लोगो सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा लोगो अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैनर अपलोड करेंगे, जिसके लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी गैलरी से बैनर सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने बैनर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बैनर भी अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे।
अब उसके बाद हम यहाँ पे बेसिक इन्फो पे जाएंगे। यहाँ से हमारा चैनल किस बारे में है, यहाँ हम अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हैं, और यहाँ बिजनेस इंक्वायरी के लिए अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके अपने चैनल के बारे में सारी एक्टिविटी यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे कितने वीडियो अपलोड किए गए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। यहाँ से हम अपने चैनल के सारे एक्टिविटी को देख सकते हैं। फाइनली अब हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है।